माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम सीखेंगे रैप्ड फंक्शन का उपयोग करके बार चार्ट क्रिएट करना। यहां पर हमारे पास ये डेटा है जिसमें कैटेगरी वाइज सेल्स वैल्यूज दी गई हैं। यहां पर इन वैल्यूज के लिए हम रैप्ड फंक्शन की मदद से बार चार्ट क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये फैब्रिक केयर वाली कैटेगरी के लिए बार चार्ट क्रिएट करेंगे। तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम रैप्ड फंक्शन लगाएंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, रैप्ड टाइप करेंगे। ये देखिए रैप्ड फंक्शन यहां पर सजेशन में आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, यहां पर रैप्ड फंक्शन करेक्टर्स को उतने बार रिपीट करता है जो संख्या हम रैप्ड फंक्शन के अंदर मेंशन करते हैं। अब हम क्योंकि यहां पर इस कैटेगरी के लिए बार चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, यहां पर हम एक ट्रिक का उपयोग करेंगे। रैप्ड फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है टेक्स्ट, इसके लिए हम यहां पर वर्टिकल स्लैश का उपयोग करेंगे जिसे बार करेक्टर भी कहा जाता है। तो यहां पर हम वर्टिकल स्लैश को डबल कोटेशन के अंदर टाइप करेंगे। तो हमने वर्टिकल स्लैश को डबल कोटेशन के अंदर टाइप कर दिया है। ये जो वर्टिकल स्लैश है ये एंटर की के ऊपर होता है। अब हम कॉमा लगाएंगे यहां पर। नेक्स्ट आर्गुमेंट है नंबर टाइम्स, यानी यहां पर रैप्ड फंक्शन के अंदर आपने जो करेक्टर मेंशन किया है उसको कितने बार आप रिपीट कराना चाहते हैं। तो या तो आप यहां पर मैन्युअली वो संख्या एंटर कर देंगे। हम यहां पर ये फैब्रिक केयर की सेल्स वैल्यू वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे। हम चाहते हैं कि यहां इस सेल में जो वैल्यू लिखी हुई है उतनी बार यहां पर ये करेक्टर रिपीट हो जाए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर ये करेक्टर 20 टाइम्स रिपीट हो गया है क्योंकि यहां इस सेल की वैल्यू 20 है। अब हम इसको बार चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और यहां होम पर जाएंगे। पहले हम यहां पर इस सेल का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे। फॉन्ट साइज हम इसका रखेंगे 28 और यहां से हम फॉन्ट चेंज करेंगे। यहां पर फॉन्ट रखेंगे हम स्टेंसिल, तो यहां पर हम स्टेंसिल टाइप कर देंगे और एंटर करेंगे। अब आप यहां पर देख सकते हैं अब जो वर्टिकल स्लैश वाली लाइन थी वो बार चार्ट में कन्वर्ट हो गई है। अब यहां पर हम इसको लेफ्ट में अलाइन करेंगे यहां से और यहां से मिडिल में अलाइन करेंगे। अब यहां पर हमें अन्य कैटेगरी के लिए भी चार्ट क्रिएट करना है तो इसके लिए बार बार रैप्ड फंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम यहां से सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर सभी कैटेगरी सेल्स वैल्यूज के लिए बार चार्ट क्रिएट हो गए हैं। यहां पर हम टाइप करेंगे चार्ट और ये एक्सेल ग्रिड लाइंस को यहां से हाइड करने के लिए हम यहां व्यू पर जाएंगे और ये ग्रिड लाइंस के सामने बने चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे तो यहां से ये ग्रिड लाइंस रिमूव हो जाएंगी। अब यहां पर हम इन चार्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और इसमें कोई बैकग्राउंड कलर फिल कर लेंगे। तो यहां होम पर जाएंगे और यहां फिल कलर पर जाएंगे और यहां से हम ये कलर फिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर रैप्ड फंक्शन की सहायता से बार चार्ट क्रिएट हो गया है। इसका माइनस पॉइंट क्या है वो भी हम यहां पर क्लियर कर देना चाहते हैं। क्योंकि रैप्ड फंक्शन करेक्टर्स की संख्या को रिपीट करता है तो यहां पर यदि कोई संख्या बहुत बड़ी होगी तो ये चार्ट चार्ट की तरह नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए हम यहां पर 100 को 1000 कर देते हैं यहां पर और एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर ये बार कितना लंबा हो गया है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। इसको हम यहां पर वापस से 100 पे कर देंगे। तो ये रैप्ड फंक्शन की सहायता से जो चार्ट क्रिएट करेंगे उसको हम कुछ छोटे नंबर्स के लिए ही उपयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।